केबल लेना है राउटर के, यहाँ पे एक वैन पोर्ट है और इधर लैन पोर्ट है, तो आपको वैन पोर्ट में एक एंड कनेक्ट करना है और दूसरा एंड वहाँ आपको मिलेगा, हर रूम में एक लैन पोर्ट उसमें कनेक्ट करना है। फिर इसका अडेप्टर है, अडेप्टर को इसमें आपको पावर में कनेक्ट करना है। उसके बाद ये मेरा राउटर पहले से सेटअप है, तो मैं आपको इसको फिर से सेटअप करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको पहले रीसेट कर देता हूँ, ये देखिए इधर से। आपके पास नया राउटर यदि है तो वो पहले से ही रीसेट आएगा, और यदि आपके पास कोई पुराना है तो आप उसे एक बार ऐसे ही रीसेट कर दीजिए। आपके पीछे में बटन दिया होगा राउटर के, ये देखिए जब राउटर रीसेट हो गया है, अब ये स्टार्ट हो रहा है राउटर। अब आपको आपके लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाना है, ये जब तक राउटर रिस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगाता है राउटर रिस्टार्ट होने में। ये देखिए एसीटी फाइबर नेट .5G, इसका पासवर्ड मैं पहले से सेव था, यदि आपके में नहीं सेव था तो आपके राउटर के पीछे में इधर जो भी राउटर है उसके पीछे में पासवर्ड लिखा होगा, वायरलेस पासवर्ड, आप उससे ना कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने अभी इससे कनेक्ट कर लिया है। फिर आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और यदि आप मैक यूज़र हैं तो अपना सफारी ब्राउज़र खोल लीजिए। इस पे आप लोगों को सर्च करना है आपका 192.168.0.1, ये राउटर लॉगिन का टीपी लिंक का है, मोस्ट ऑफ द राउटर्स में यही होता है। यहाँ पे लॉगिन पे दबाना है, यहाँ लॉगिन पासवर्ड जो है वो भी आपको शायद पीछे में दिया होगा, या यदि आपके में जनरेट करने के लिए आ रहा तो आप पहले जनरेट कर लीजिए लॉगिन पासवर्ड, मेरा पहले से जनरेटेड है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नेटवर्क में आकर के यहाँ पे जब आप अंदर आ जाएं तो यहाँ आपको एक नेटवर्क टैब मिलेगा, इस पे दबाइए, फिर यहाँ इंटरनेट पे दबाइए, फिर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन टाइप पहले से डायनेमिक आईपी होगा, इसको आपको चेंज करके स्टैटिक आईपी करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आईपी एड्रेस डालना है, आप जिस भी हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल 1 या हॉस्टल 16, तो आपके ISMB मेंटर्स ने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा होगा जिसमें हर फ्लोर का, हर हॉस्टल का, हर विंग का ये आईपी एड्रेस दिया होगा, सबनेट मास्क दिया होगा, वो सब आपको उसमें से डॉक्यूमेंट में से डालना है, देख करके जिस फ्लोर पे आप हैं उस हिसाब से। मेरा फ्लोर अभी है, मैं वो आप डॉक्यूमेंट देख करके अपना डाल लेता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए लगा दूंगा वो डॉक्यूमेंट का लिंक, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और प्राइमरी डीएनएस फिल करने के बाद, यहाँ IVP6 है इसको आप इनेबल है इसको डिसेबल कर दीजिए, उसके बाद सेव पे दबा देना है। सेव करने के बाद अब आपको न्यू टैब खोल करके सर्च करना है internet.iitb.ac.in, ये सर्च करना है आपको। देखिएगा ये खुल चुका है, अब यहाँ पे आपको लॉग इन विथ SSO पे दबाना है। आपको अपना एक LDAP ID मिला होगा और उसका आपको पासवर्ड भी होगा, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा।
फिर आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे एक ओटीपी आया होगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, जो भी आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे ऑथेंटिकेटर ऐप पे ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ लॉगिन पे दबा देना है यार, 37 अरे 3s, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है 755750। यहाँ लॉगिन कर देना है, नॉट नाउ, यहाँ कंटिन्यू थे ना। तो ये देखिए गाइस, हम लोग का ये इंटरनेट कनेक्शन चालू हो चुका है। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कि आईटी बॉम्बे में हमें कितना स्पीड मिलता है। ये देखिए बूम गाइस, 120, 100,